स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन इन योर होम एंड टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ. स्टे होम, स्टे सेफ. टुडे आवर टॉपिक द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड, पार्ट थर्ड, पेज नंबर 49. लाउस वाज ओनली 17 ईयर्स ओल्ड व्हेन एन आइडिया स्टक हिम दैट देयर मस्ट बी एन ईजियर क्विकर वे फॉर द ब्लाइंड टू रीड देन बाई ट्राइंग टू फील ऑल द वे अराउंड ईच अदर. ही वॉज लुकिंग फॉर ए कोड ऑन इवनिंग द ही फाउंड द आंसर. ही वॉज सिटिंग इन ए रेस्टोरेंट लिसनिंग टू ए फ्रेंड रीड अलाउड फ्रॉम ए न्यूज पेपर. सडनली ही हर्ड समथिंग दैट मेड हिम जम्प अप इन हीज एक्साइटमेंट. लाउस पाउंडेड ऑन द टेबल शाउटिंग, लाफिंग एंड क्राइंग एट ऑल एट वंस. तो अब जो ये जो लाउस था, ये जब 17 ईयर का हो गया था तो इसने एक और तजवीज़ सूझी. ये सोच रहा था कि कुछ और ऐसा तरीका निकालूं जिससे और ज़्यादा जल्दी और क्या हो जाए, इजी तरीका आ जाए इन अंधे लोगों को इसमें करने में. तो ये एक कोड इसने एक ही वाज लुकिंग फॉर ए कोड इसने एक कोड देखा. तो वन ईवनिंग ही फाउंड, अब ये इस कोड का आंसर ढूंढ रहा था. तो अब ये कहाँ, एक रेस्टोरेंट में अपने दोस्त के पास बैठा था. न्यूज़पेपर पर इसने पढ़ा तो अचानक इसकी नज़र किस पर जब ये रेस्टोरेंट में वहाँ पर बैठा तो इसके दोस्त ने न्यूज़पेपर में इसे सुनाया कि अचानक जब इसने अपने दोस्त से सुना तो ये बहुत खुश हो गया. इसकी बहुत ज़्यादा मतलब क्या थी, एक्साइटमेंट की बहुत ज़्यादा हो गया था, एक्साइट हो गया था. और ये इसने क्या किया, छलांग लगा रहा था और ज़ोर ज़ोर से हंसता हुआ और चिल्ला भी रहा था. द न्यू आर्टिकल्स वाज अबाउट नाइट राइटिंग इन न्यू सिग्नल कोड इन द फ्रेंच आर्मी. हिटलरी कैप्टन नेमर चार्ल्स बार्ली इन द नेपोलियन आर्मी हैड डेवलप्ड ए टेक्निक ऑफ सेंडिंग मैसेज बाय मीन्स ऑफ डॉट्स एंड डैश इन रिलीफ that is standing above the surface the paper like embossed type. This code could be used in the dark because it felt with the finger tip. If a man could read and write message in the dark without using his eyes, then blind person could do it too. To isne kya kiya, isne jab wo article padha dekha to us article mein ek kya tha, signal tha, ek code tha jo France army वो जो उनका कैप्टन था आर्टिलरी, उसका नाम था चार्ल्स बार्बर. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक टेक्निक निकाली थी, एक मैसेज रखा था एक अंधे लोगों के लिए कि वो बगैर आँखों के क्या कर सकते, बड़े बड़े मोटे पेपर पर मोटे मोटे हरूफ लिखकर उन्हें ट्रेस करके उससे तो पता चल सकता था. पहले इन्होंने वो किया था, अब इन्होंने एक टेक्निक निकाली थी जिससे वो अंधे लोग बगैर आँखों के क्या अपनी उंगलियों के मतलब क्या कर सकते, अपनी उंगलियों के ज़रिए वो हरूफ को अपने जहन में उनकी तस्वीर बिठा सकते थे और वो ये कर सकते थे. लाउस मेट कैप्टन बार्बर हु एक्सप्लेनड हिज कोड विद टू हिम. ही पॉन्चेड सम होल्स इन द शीट ऑफ पेपर विद सिंपल एवल नॉट सो डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट हैड लॉस्ट हिम हिज साइट. तो अब ये जो कैप्टन लवस अब उस कैप्टन से मिला तो उसने एक्सप्लेन किया उस कोड को. अब इसने क्या किया, अब उसको वो होल बनाने थे एक पेपर की शीट पर, वो होल बनाने थे. तो वो कैप्टन इसको दिखा रहा था कि यहाँ पर होल बनाने हैं. अब इसने कोई दूसरी चीज़ नहीं ली बल्कि वही औजार लिया, वही एवल लिया जिसने जिसके ज़रिए इसकी आँखें ख़राब हो गई थी, उसी से वो क्या करने लगा, होल करने लगा. मेड लवस फील द बॉम्ब आर डार्ट दैट ही हैड मेड ऑन द अदर साइड ऑफ द पेपर. ए सर्टन कॉम्बिनेशन ऑफ डार्ट्स मेंट ए सर्टन आर्मी कमांड लाइक रिट्रेट टू द मेन लाइंस आर सीज फायर एंड सो ऑन. लवस बार्ली वॉज अवर जॉयड पंचिंग डार्ट ऑन पेपर वॉज ईजी फास्ट एंड एक्सपेंसिव. नाउ ही कुड फिगर आउट ए वे by which the blind might punch out all words in code made of dots. तो अब इसने उस कैप्टन की मदद से क्या किया, उस कैप्टन ने इसको वो कोड बताया वो डॉट के जरिए कि ऐसे इसको डॉट करना है पेपर पर, तो इससे उन ब्लाइंड पीपल को आसानी हो जाएगी.
तो इसने ऐसा किया तो ये उसे बहुत फास्ट तरीका लगा और बहुत ही एक्सपेंसिव लगा, तो ये फिर वो बनाने लगा, उसने वो कोड लिया उनके लिए। अब पार्ट 4 में हम आगे पढ़ेंगे।